की जितनी रिलीज बुक्स हैं यहाँ पे रखी है, गीता त्रिपिटक, गीता आई 5,000 वस्तु, त्रिपिटक आया 2,500 वस्तु, उसके बाद आप देखें तो बाइबिल है, बाइबिल आई 2,000 वस्तु, और उसके बाद आप देखें तो होली कुरान शरीफ है 1400 साल पूर्व आई, फिर गुरु ग्रंथ साहब है 550 वर्ष पूर्व आया, और फिर इसके बाद भाई किताब है ये 200 वर्ष पूर्व आई। तो ये जितना दिव्य ज्ञान है, जैसे रामायण में लिखा है कि जब जब होगी धर्म की हानि, धर्म की हानि माने क्या है, जब जब मनुष्य अपने कर्तव्य को भूल जाए, और कर्तव्य क्या है, जब एडम और ईव दो प्राणी बनाए परमात्मा ने, तो परमात्मा ने क्या किया, एक धरती बनाई, आकाश बनाई, सूरज चांद बनाए, और उसने जमीन के गोदाम बनाए, गेहूं चावल के, फल फूल बनाए, नदियां बनाई, पहाड़ बनाए, हवा बनाई, पानी बनाया, और उसने दो तरह की स्पेशी बनाई, एक पशु और एक इंसान। इंसान जो बनाए तो प्रथम इंसान जिनके हम संतान माने जाते हैं वो है मनु या शत्रुपा कहें, या आदम और हुआ एडम और ईव कहें, या आदम और हुआ कहें, डिफरेंट नाम है उनके। आदम माने आदम, और हुआ कहते महिला को। एडम एक आदमी का नाम और ईव एक स्त्री का नाम। तो परमात्मा ने ये दो प्राणी पहले बनाए, उसी से ये बढ़ के आज 7.5 अरब आबादी हो गई। तो जब प्राणी बनाए तो परमात्मा ने धर्म का ज्ञान दिया, और धर्म का ज्ञान जैसे हर पिता अपने बच्चों को जो ज्ञान देता है तो वो तो परम पिता परमेश्वर है, उसने भी ज्ञान दिया, और उसने कहा कि देखो मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं, अब कभी भी मैं दिखाई नहीं पड़ूंगा, सृष्टि जब तक रहेगी तब तक मेरा एक धर्म है, इसका पालन करना, धर्म के पालन से तुम सुखी होगे, और तुम्हारा धर्म या कर्तव्य एक ही है, तुम दोनों प्यार से रहना, पति पत्नी एकता में रहना, बस और कोई धर्म नहीं है, तुम्हारा एक ही धर्म है, एक ही कर्तव्य है, कभी आपस में देश शिकी नहीं करना, यदि तुम्हें कोई नफरत हो तो परामर्श कर लेना, कंसल्टेशन कर लेना आपस में, झगड़ा नहीं करना, लड़ना नहीं, दूरियां नहीं पैदा करना, हृदय की एकता रखना, बस एक ही धर्म एकता। और कहा कि देखो ये मेरा गुण रहस्य है धर्म का, इस रहस्य को तुम अपने संतानों को बता देना, और उनसे कहना कि जब उनकी संतानें हो तो उनको रहस्य बता देना, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये रहस्य सबको बताया जाए कि देखो भाई मिलकर रहना और प्रेम से रहना एकता में, बस इतना ही धर्म है, और इस धर्म का पालन करोगे तो तुम सुखी रहोगे, संपन्न होगे, आनंदित होगे, हर्षित होगे, सफल हो जाओगे जीवन। और भाई तुम लोगों ने दूरियां बढ़ी तो संघर्ष बढ़ेंगे, मारपीट होगी, गाली गलौज होंगे, झगड़े होंगे, और ज्यादा बढ़ जाएंगे लोग तो युद्ध होंगे, महायुद्ध हो जाएंगे, प्रथम महायुद्ध हो गया, द्वितीय महायुद्ध हो गया, इंडिया पाकिस्तान की 3 लड़ाई होगी, यूरोपियन वार होगी, इसराइल और पैलेस्टाइन की वार होगी, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की वार होगी, चारों तरफ दुनिया में हाहाकार मची, मारामारी, कत्लेआम, खून खराबा, ये सब का कारण क्या है, हमने प्रभु की बात नहीं मानी। प्यारे बच्चों, द बेसिक पर्पस ऑफ ऑल द रिलीजन, जितने भी किताबें हैं, द बेसिक पर्पस ऑफ ऑल द रिलीजन, इट इज सेफ गार्ड द इंटरेस्ट एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, एंड टू फॉस्टर द स्पिरिट ऑफ लव एंड फेलोशिप अमंगस्ट मेन। हर धर्म का
केवल एक मतलब है। हर धर्म एक शिक्षा देता है मुख्य, आपसी सद्भाव, आपस में प्रेम और सद्भाव और एकता, बस ये सबका मूल उद्देश्य है कि हर धर्म का बेसिक पर्पज ऑफ ऑल द रिलीजन इज टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द ह्यूमन रेस एंड टू फॉस्टर द स्पिरिट ऑफ लव एंड फेलोशिप अमंग मेन। माई गॉड यूनाइट द हार्ट्स ऑफ थाय सर्वेंट्स एंड रिवील टू देम द ग्रेट पर्पज, मे दे फॉलो thy कमांडमेंट्स एंड अबाइड इन thy लॉ। हेल्प देम ओ गॉड इन देयर एंडेवर एंड grant them strength to serve thee. O God, lead them not to themselves, but guide their steps by the light of thy knowledge, and cheer their hearts by thy love. Verily, thou art their helper and the Lord. तो एक कर दे हृदय अपने, माई गॉड unite the hearts of thy servants. ये परमात्मा ने पहला वचन दिया, पहली शिक्षा दी और आखिरी शिक्षा दी, एक ही शिक्षा परमात्मा की जो सब धर्मों में कही है, हृदय की पवित्रता होगी तो हृदय एक हो जाएंगे। प्योर हार्ट इज वन दैट इज एंटायरली कट अवे फ्रॉम सेल्फ। परमात्मा कहता है, हे प्राणी, माय फर्स्ट काउंसिल इज दिस, पजेस ए प्योर काइंडली एंड रेडिएंट हार्ट द दैन मे बी सोवरेनिटी एंशियंट इम्पर्शियबल एंड एवरलास्टिंग। अपना हृदय पवित्र करो, दयालु करो, अशुद्ध बनाओ और ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित करो, तो इस पृथ्वी के साम्राज्य तुम्हारा होगा, तुम इतने शक्तिशाली बन जाओगे। तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाए, दयालु हो जाए और ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित हो जाए। परमात्मा कहता है, मेरी फर्स्ट काउंसिल इज दिस, मेरा जीवन का प्रथम परामर्श है, तुम्हारे हृदय पवित्र हो, तो पवित्र हो, दयालु हो और ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित हो। प्योर काइंडली एंड ए रेडियंट हार्ट, ऐसा हृदय बनाना है, तब ये परमात्मा का ज्ञान है जो अपने हृदय को पवित्र न रखे, उसमें गंदा करे, जो दयालु न हो और ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित हो, तो व्यक्ति संकट में पड़ जाएगा, कठिनाइयों में आ जाएगा, दुखों में आ जाएगा, बहुत परेशानी में पड़ जाएगा। तो भगवान का कहना मान करके ही हमारा सुख है, तो भगवान की शिक्षाओं को जानना ही भगवान को जानना है। ईश्वर को जानना चाहते हैं तो क्या करें, उनकी शिक्षाओं को जान। उनकी शिक्षा कहाँ है, इन्हीं किताबों में जो रिवील्ड है। ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड आर अनरिंग एंड कलेक्टेड विजन that are sent by one God as required from age to age to open the mental locks of mankind and to cure the maladies of the age. तो जितनी भी revealed books of God है ये unerring है, इनमें कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि किसी अवतार की लिखी हुई नहीं है, किसी संत और महात्मा और ऋषि मुनि की वाणी नहीं है, किसी विद्वान की वाणी नहीं है, तो दिव्य वाणी है परमात्मा की, एक ही परमात्मा है, उसी से सारी वाणी आई है युग में। अब कब कब आई, जब जब हो धर्म की हानि, जब धर्म की हानि होगी, धर्म क्या है, कर्तव्य धर्म क्या है, प्रेम करो एकता करो, और जब कभी भी इसकी हानि होगी, लोग प्रेम करना बंद कर देंगे और एकता में नहीं रहेंगे तो अनेकता हो जाएगी, प्रेम नहीं होगा तो घृणा होगी, और जब घृणा होगी तो तकलीफें बढ़ेंगी। तो जब जब हो धर्म की हानि, तो धर्म के मान ये नहीं कि एक किलो धर्म लाए और आधा किलो चूहे काट गए, आधा किलो बचाए, धर्म के मानी कर्तव्य, और कर्तव्य एक ही है जो परमात्मा ने बताया, क्या बताया, एक ही बताया, जब से सृष्टि बनी तब से एडम ने इसको बताया, भाई प्रेम से रहना, एकता में रहना, बस, और कोई धर्म नहीं। सारी सृष्टि जब से शुरू हुई तब से आज तक और आगे जब तक सृष्टि रहेगी, धर्म एक ही रहेगा, धर्म शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, न कभी बदला है न कभी बदलेगा, परमात्मा का धर्म कभी नहीं बदलता। और परमात्मा का एक ही धर्म एकता और प्रेम। माई गॉड यूनाइट द हार्ट्स ऑफ थाय सर्वेंट्स
एक कर दे हृदय अपने सेवकों के, हे प्रभु। यही धर्म है, हृदय एक हो गए। कब होंगे? जब पवित्र होंगे। अपवित्र होंगे तो एक नहीं होंगे। तो ये जो रिवीट बुक्स हैं, इनमें जो शिक्षाएं हैं, उनको जानना ही प्रभु को जानना है, और उन पर चलना, उन पर एक्ट अपॉन, वही कार्य करना, ये पूजा है परमात्मा की। और बात तो रिचुअल्स हैं। रिचुअल्स आर नथिंग टू डू विद वर्शिप। रिचुअल्स आर नॉट ए वर्शिप। लोग कहते हैं जी क्या कर रहे हैं साहब? हाँ जी वो पूजा कर रहे हैं साहब। क्या पूजा कर रहे हैं? पूजा तो एक ही चीज है, कार्य। कौन सा कार्य? जो परमात्मा ने बताए। परमात्मा ने क्या बताए? गीता में कहा न्याय करना, त्रिपिटक में कहा जाति पाति को न माना, 2000 वर्ष 2000 वर्ष पूर्व यीशु आए, उनका करुणा करना। इस पृथ्वी का साम्राज्य उनका होगा जिनका जीवन करुणा में होगा, करुणा अभ्यास करेंगे। और 1400 वर्ष पूर्व हजरत मोहम्मद आए, उन्होंने कहा कि खुदा रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुसलमीन नहीं है, मुसलमानों को नहीं, आलमीन का रब है, इस सृष्टि का रब है, सारी सृष्टि को बनाने वाला एक अल्लाह है, एक खुदा है, एक खुदा के बंदे हैं सब, और भाई भाई हैं, क्योंकि खुदा ने बनाया। तो ब्रदरहुड का संदेश। और 550 वर्ष पूर्व नानक जी आए, उन्होंने कहा कि भैया त्याग करो और सारी मानव जाति के लिए करो। उन्होंने कहा बल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे और एक नूर थे सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। और नानक नाम चढ़दी कला, कब? जब तेरे भाने सर्वत्र दा भला, सारी सृष्टि की भलाई की भावना होगी तब नानक का नाम तो ईश्वर को मिल जाएगा। यानी सारी सृष्टि की भलाई के लिए तू जब त्याग करेगा, नहीं क्योंकि एक परमात्मा से ये सारा जग उत्पन्न हुआ है। तो उन्होंने कहा कि सारी मानव जाति के लिए त्याग करना सीखो। अभाव लाए, उन्होंने भी कहा एक कर दे हृदय अपने सेवकों के, हे प्रभु, माई गॉड विनाट द हार्ट सुधाई सब। तो जब से सृष्टि बनी तब से आज तक द बेसिक पर्पज ऑफ ऑल द रिलीजन इज टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द ह्यूमन रेस एंड टू फस्टर द स्पिरिट ऑफ लव एंड फेलोशिप अमंग मैन। और जितनी भी रिवील बुक्स रखी है, ऑल द रिवील बुक्स ऑफ गॉड आर अनरिंग, इनमें कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि किसी अवतार ने नहीं लिखी। दिव्य वाणी है, दिव्य लोक चाहिए और ये अवतारों को प्राप्त हुई, वो वाणी है। किसी अवतार की सोच समझ के कारण नहीं है, ये प्रभु की सोच और प्रभु की समझ है जो इनमें लिखी है। तो ऑल द रिवील बुक्स ऑफ गॉड आर अनरिंग एंड कलेक्टेड विजडम। अच्छा, कलेक्ट किसने की? जिसने विजडम भेजी है। ये क्या है? बुद्धिमत्ता की किताब है, मनुष्य को बुद्धिमान बनाने के लिए। तो ऑल द रिवील बुक्स ऑफ गॉड आर अनरिंग एंड कलेक्टेड विजडम, त्रुटि रहित है और ये संग्रहित बुद्धिमत्ता है। किसने संग्रहित की, किसने कलेक्ट की? उसी ने जिसने बुद्धिमत्ता दी, परमात्मा ने। कब से? जब से सृष्टि बनाई। We raise the banner of our school and see it flying high. We raise together all our voices till they reach the sky. CMS is the place to be. CMS is for you.
बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके आप सब लोगों से इंटरेक्ट करके, आप सब लोगों को मिलके। और मेरे पास एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज है, सिद्धार्थ और मैं थोड़े टाइम में परफॉर्म करने वाले हैं आप लोगों के लिए। देयर इज गोइंग टू बी अ डांस परफॉर्मेंस, सो आई होप यू गाइस विल एंजॉय। राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आज पांचवा दिन है। फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे छूट चुके हैं, तो आइए बच्चों से जानते हैं कैसा रहा उनका अनुभव। मायसेल्फ जूलियाना लॉन्ग, आई एम फ्रॉम रेनबो स्कूल, अ टीचर ओवर देयर। लेकिन ये अच्छा लगा यहाँ पे, हर साल हम लोग आते हैं, लेकिन हम लोगों को ये लगता है कि मेरे स्कूल के बच्चे ऐसे स्कूल ऐसे जगह से आते जहाँ उनको मालूम ही नहीं कि पिक्चर हॉल होता है क्या, व्हाट इज़ पिक्चर हॉल। सो थ्रू CMS एटलीस्ट दे कम टू नो व्हाट इज़ पिक्चर हॉल एंड ऑल द मॉरल टीचिंग्स आर टॉट हियर थ्रू द पिक्चर्स। नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा लगा। सारा अरेंजमेंट आप लोग ने करा के रखा था और हर साल हम चाहेंगे कि हमारे बच्चों को बुलाया जाए और भी बच्चों को। मूवीज़ से हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें मॉम के साथ अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि और हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत बुरी चीज़ होती है। तो बहुत गांधी जी और मिसेस गांधी का ये बहुत बढ़िया वो प्रोग्राम है, उन्होंने सारे पूरे लखनऊ के हर मतलब हर स्कूल्स को कॉन्टैक्ट करके और सबके बच्चों को बुला करके यहाँ पर चिल्ड्रन फिल्म दिखाई जाती है। और चिल्ड्रन फिल्म अब थोड़ी ज़्यादा बनने लगी है, इससे पहले जब हम लोग छोटे थे तो शायद कभी कभी एक आध चिल्ड्रन फिल्म रिलीज़ होती थी, तो उसको देखने के लिए वी टू वेट फॉर अलॉट। बट यहाँ तो बड़ा अच्छा है कि और इतना बढ़िया मैसेज मिल रहा है इन फिल्म से, अगर वाकई बच्चे कुछ सीखना चाहेंगे तो वो सीख सकते हैं। बहुत बढ़िया, एक तो एक ही सिटी में इतने सारे ब्रांचेस रखना और इतनी बड़ी संस्था को चलाना, और 9 days का ये आपका जो नेशनल फिल्म फेस्टिवल है, एक दिन का कोई प्रोग्राम रखते हैं तो लोग पीपल बिकम टायर्ड, बट यहाँ तो 9 days लगातार दे आर डूइंग एवरी। आई जस्ट प्रेज द होल टीम जो इतना इनिशिएटिव लेके इतना हार्डवर्क करके इसको सक्सेसफुल बना रहे हैं। मतलब माँ के बारे में पता चला, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में, और अपने मतलब जब लोग बड़े हो जाते तो अपने पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल देते, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो पता चला कि पेरेंट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट टू अस। मैंने यहाँ पे माँ के बारे में मतलब बहुत कुछ सीखा यहाँ पे आकर के, और ये भी सीखा कि माँ कितनी इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए। बस हमने आज एक मूवी देखी जिसका नाम था टेनिस बडीज, उसमें एक गर्ल बैडमिंटन खेलती है, टेनिस खेलती है, उसने अच्छा किया था। बस ये कि हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें मेहनत करनी चाहिए जिसकी वजह से हम सक्सेस हो पाए। ऑल रिलीजन प्लेयर्स प्रेयर से यह मिलता है कि एवरी रिलीजन इज इक्वल, और किसी भी रिलीजन में हम लोग को कोई भी डिफरेंस नहीं रखना चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, और ये पता चला कि हमें किसी के साथ अनफेयर गेम नहीं खेलना चाहिए। ऑल रिलीजन प्रेयर से हमको ये समझ में आता है कि सब रिलीजन एक है और हम लोग में से कोई बड़ा छोटा नहीं है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। मूवीज वर वेरी नाइस, एक्सीलेंट मूवीज, इंस्पिरेशनल एंड एंजॉइंग वेरी मच। बच्चों आप लोग को सीखने को मिला ना? Yes. क्या सीखा? लड़कियाँ लड़के से कम नहीं होती है। उन लोगों उन्होंने तो बहुत अच्छे काम किए हुए हैं एक्चुअली, नॉट ओनली फॉर हिज ओनली स्कूल, अदरवाइज मींस और अदर स्कूल्स के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है। इट वाज गुड वाचिंग द मूवीज एंड क्वाइट वर्दी एंड दे वर लाइक
all with full of messages, good messages, like one movie we watched on the girl child also, and that was very good, and about old age, and so it was good. We should make study girl child and stop. Yes, ma'am. Like, ma'am, they are telling that we should respect our elders, and ma'am, we should not distinguish between a boy child and a girl child. So, ma'am, that is only about the full story. Ma'am, three stories have been telling about this only. That we should not compare between the girl child and the boy child, and we should respect moms. We should never compare between a girl child or a boy child. We should respect the elders, and we should not say anything to our elders, and yes. Very awesome, and we enjoyed the movies very much. Tennis Buddies. बच्चों को प्रोत्साहित करना और उनको मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छी मतलब जो है मूवीज़ थी, मतलब इससे बच्चों को मतलब जो है उनकी उनका जो दिशा निर्देश है और उनको निर्देशन जो देना है उसके लिए ये चीज़ें मतलब बहुत ही ज़रूरी है. एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड. बाई शोइंग दिस टाइप ऑफ फिल्म वी आर इंकरेज आवर स्टूडेंट्स टू लर्निंग एंड न्यू थिंग्स, न्यू मॉरल वैल्यूज एंड अदर थिंग्स एक्स्ट्रा. वी आर सीइंग राइट नाउ द मूवीज टेनिस बडीज. दिस मूवी इज़ टू गुड फॉर द स्टूडेंट्स टू इनकलकुलेट देम द स्पोर्टिव इशूज एंड एनी अदर वैल्यूज. थैंक यू. मैंने सीखा कि लड़कियाँ हर चीज़ कार्य कर सकती हैं और लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए. मैम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा लगा. यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत मज़ा आया. मैम, सीखा कि हमें किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहना चाहिए. हमें अपनी फीलिंग्स दूसरों को बहुत अच्छे से मतलब बता देनी चाहिए, और फिल्म इसका बहुत अच्छा माध्यम है. बहुत अच्छा लगा. ये बच्चों को सीखने को काफ़ी कुछ मिला, अच्छी बातें सीखेंगे, गेन करेंगे. बहुत अच्छा मूवीज है. बच्चों को हर बच्चों को दिखाना चाहिए, हर विद्यालय में दिखाना चाहिए, इससे बच्चों को टैलेंट बढ़ेगा. अंशिका कैसा लगा यहाँ के? बहुत ही अच्छा. मूवीज देखी? मूवीज अच्छी लगी? कौन सी मूवी अच्छी लगी? यही वाली. कौन सी? कोई नाम याद है उसमें? कौन था? अनुष्का थी. अच्छा, किससे जाके शेयर करोगे बात अपनी? कहाँ गए थे? मम्मा को बताओगे कि फ्रेंड्स को बताओगे? किसको बताओगे? Mama ko. Lots of boys coming out of the auditorium after seeing a wonderful movie, I believe. So which school first of all, tell me. I'm St. Francis. And I think you saw a movie jisme ki the character played by all the students, they were exactly your age, I believe. So you got connected? Yes, ma'am. Yes. So how was the experience? It was very nice, and I think the movies are all of them work. What did you learn from this movie? Which movie, first of all, do you remember the name? Tennis Buddies. So my buddy, what did you learn from that? That we learned sportsmanship and determination, passionate, and it was fabulous over here and nothing else. A wonderful effort. I'm really amazed how he manages. Thank you for being here, ma'am. How was the day? It was very good. Very good. Ma'am, what was the best thing of this day? Ma'am, movie. Ma'am, the movie. Which movie? Ma'am, that movie that was shown here. So what did you learn? We should have determination for our work. And we should never lose our hope if we do anything in our lives. What did you learn? That we should not give up at any moment, and we should keep on trying to get better and better in anything. It was just like a surprise for me because it was not pre-told, and the movie was great. Very good experience it was. Very good, excellent. And that hall also, it was very silent, and very good movie also. Excellent. Thank you. Say a few words about the endless effort of Dr. Jagdish Gandhi ji, who's bringing children from all over the... So many years I am coming here. Such a good effort from his side, and also very well organized. Ji, mera naam Vivek Kumar hai. कहाँ से और आप कितने बच्चों को लेकर? ये खिदमत हमारा एक एनजीओ है और हम लोग करीब 110 बच्चों को लेकर आए हैं. अच्छा, तो कैसा रहा ये अनुभव आपके लिए? एक अच्छा अनुभव था. बच्चों जो स्लम के बच्चे, खासकर मोस्टली स्लम के बच्चे हैं, तो एक अच्छा अनुभव है. इन्होंने देखा, जाना और यूनिटी के बारे में जाना, तो अच्छा है आगे इनके भविष्य के लिए. माय नेम इज गायत्री त्यागी. एंड यू आर फ्रॉम? या, आई हैव एन एनजीओ कॉल्ड खिदमत, एंड वी आर इनटू द फीडिंग प्रोग्राम. So every day we are feeding 335 slum children with a high protein diet, and there are 5 slums. So there is the Khidmat slum, then Jan Pragati slum, then there is another slum.
So the kids are very excited and they all have 150 have come. So they've really enjoyed themselves. Okay. What do you think about the effort of Dr. Jagdish Gandhi, who is a founder manager? Excellent and very well organized. So none of our kids have felt, you know, going astray and all. They've all been very well looked after. Okay. Thank you. Any message you want to give to the other viewers who are watching you? Yeah. Come and experience it with all the children. The ambience is beautiful. Thank you so much. Shikshatmak सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चिंतन हेतु विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।